नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में बरसात का सीजन लगभग खत्म होने को है, लेकिन फिर भी राज्य भर में भारी बरसात होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बरसात से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए अगले 24 घंटे को राज्य के लिए मौसम के लिहाज से भारी बताया है। तो क्या है ताजा अपडेट, लीजिए आप भी देखिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में भी ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजधानी दून और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे के भीतर कई दौर की बारिश की संभावना है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से राज्य भर में अब मौसम के अंदर भी ठंडक महसूस की जा रही है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लोग ठंड भी महसूस कर रहे हैं। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान घरों में बने रहने की हिदायत देते हुए नदी नालों से भी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।